स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूँ अभिद हुसैन शेख। लॉ जिहाद अपराध नहीं, होम मिनिस्टर अरग ज्ञानेंद्र का बयान। शांति से रहे कर्नाटक में कुछ संघी संगठनों की ओर से कर्नाटक में लॉ जिहाद विरोध में कानून लागू करने की मांग की जा रही थी। कल विधानसभा अधिवेशन में कांग्रेस लीडर प्रियांक खड़गे ने बीजेपी सरकार से सवाल किया कि लॉ जिहाद पर सरकार का क्या बयान है। इस पर होम मिनिस्टर अरग ज्ञानेंद्र ने एक स्टेटमेंट के जरिए सफाई दी है कि राज्य में सिर्फ 3 मामले दर्ज हुए हैं लॉ जिहाद के, वो भी पैसों का लालच देकर उनसे शादी की गई है। लॉ जिहाद को अपराध करार नहीं दे सकती सरकार का ऑर्डर होम मिनिस्टर अरग ज्ञानेंद्र ने दिया है, जिससे नफरती संगठनों के मुंह पर जोरदार तमाचा कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने भी नफरती संगठन है उन्हें यकीन है कि वो जो भी करेंगे उसे सरकार मानेगी। चुनाव के नज़दीक होम मिनिस्टर अरग ज्ञानेंद्र का ये बयान सच्चाई और देश की अखंडता पर लिया गया फैसला है, वरना तो इनके राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील विकास छोड़कर लॉ जिहाद पर काम करने की सलाह देते नजर आए अपने कार्यकर्ताओं को। होम मिनिस्टर के मुताबिक राज्य में लॉ जिहाद के आंकड़े देखे तो राज्य अध्यक्ष के मुंह पर भी किसी बेशर्म के थप्पड़ से कम नहीं। ये ऐलान जो कि सरकारी तौर पर किया गया है। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाएं। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।